सर पहला तो ये कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी मुट्ठी में गुड़ तोड़ने वाली नहीं है। जब सवाल उठा तो हमने नहीं कहा कि हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का फैसला हमारे हक में आ गया, आओ खुशियां मनाएं। जिस तरह जब जीआईटी बनी थी तो हमने नहीं कहा था कि जनाब हम सुरखुरू हो गए पैनामा से। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी तहकीक करने का मुतालबा इस हाउस में हुआ था, पूरे पाकिस्तान में यह आवाज है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में किस तरह से यह फर्म हायर की गई, किस तरह से उसको काम नहीं करने दिया गया, किस तरह से एनआरओ वन हुआ, किस तरह से एनआरओ टू हुआ। अब जब हुकूमत जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जो भी मामला किसी एलिगेशन की सूरत में सामने आता है वो उस पर प्रोब करती है, इस मुल्क में कोई सोच नहीं सकता था चीनी माफिया को कोई हाथ लगाएगा, और लिहाज भी नहीं करती, ये भी रिकॉर्ड पे आ गया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, और उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर जो जिम्मेदारियों का तायुन होता है वो जिम्मेदारियों का तायुन फिर मुतलका फोरम्स के पास जाए। ये मैं गुजारिश करना चाह रहा था। दूसरा जो ये मोशन है इसके ऊपर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो नेक्स्ट अगले दिन से वो डिबेट शुरू करें। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।